और अब राजस्थान हुआ 50 जिलों का। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब राजस्थान में 19 और नए जिलों का प्रारूप तैयार हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इन जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, खैरतल, नीम का थाना, फलौदी, सलूमबर, साचौर और शाहपुरा शामिल हैं। आपको बता दें, अब ये बटन दबाने के बाद राजस्थान को 50 जिलों में बांटा जा सकता है। पहले 33 जिले थे और 19 नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। इनके साथ ही अब विकास की नई संभावनाएं, नए निवेश, नए रोजगार के अवसर सृजन हो सकेंगे। गठन हुआ है, इसकी कॉपी आपको इससे पत्रकार वार्ता के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और अब मेरा सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उत्प्रेरण, आपके संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया संबोधन प्रदान करें। हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, मंत्रिमंडल के तमाम मेरे साथी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी और तमाम अधिकारीगण, मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, जिस दिन का इंतजार था हम सबको, जो 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम। जैसे आपको मालूम है कि हमने ओएसडी लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था। और मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 2000 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है नए जिलों गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो ओएसडी लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। और चूँकि अभी मेरे पूर्व में उषा शर्मा जी ने, रामलाल जाट साहब ने आपको बताया, आप तो खुद अनुभवी हैं क्योंकि लंबे समय से पत्रकारिता में आप लोग समर्पित हैं, फीडबैक जनता का आपको मिलता रहता है। मेरा मानना है कि जितना प्रशासनिक दृष्टि से जिला की इकाई अगर बहुत बड़ी आबादी की बन जाती है, तो नहीं चाहते हुए भी, जैसे अनुभव बताया उसका शर्मा जी ने, वो एक बात है, पर कलेक्टर नहीं चाहते हुए भी जो जिला मुख्यालय होता है उनकी भी समझ इतनी बड़ी होती है। रोज कानून व्यवस्था की बात करें या डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं, कोई कुछ समस्या कमेटी मीटिंग होती रहती है, तो अधिकांश जगह पर कलेक्टर लोग जितना दौरे करने चाहिए तहसील स्तर पर, एसडीओ स्तर पर, वो कर नहीं पाते हैं। कई बार प्रोग्राम निकल जाता है और प्रायोरिटी बदल जाती है कलेक्टर की, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने कर ली तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए। तो और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आप सबको मालूम है कि बहुत कैसी बनी हुई है, यूपी की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया, ये राजस्थान नहीं। राजस्थान में एक गांव के बाद में 5 किलोमीटर भी, 10 किलोमीटर भी, और साठ में जस में जोधपुर में तो 15-15, 20-20 किलोमीटर भी, 25 किलोमीटर भी लगते हैं। और तो जिला मुख्यालय पर आने पर कई गाँव ऐसे जिलों में हैं तो 200-200 किलोमीटर आना पड़ता है उनको। किसे कहते हैं, पूरा दिन खराब होता है, नाइट होल्ड करो, खर्चा होता है गाँव वालों का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जमीन संबंधी मामले कई होते हैं, दीवानी मामले चलते रहते हैं, और जिला अधिकारी रहते हैं, डीलर रहते हैं हर विभाग के जिले के अंदर। तो प्रयास किया गया कि हम शुरुआत करें 19 जिले से। हमारी सोच रहेगी कि हम कह रहे हैं कि 2030 जो हमारा विजन है, मिशन विजन विजन, जिसके लिए मैं आप सबसे भी आमंत्रित करता हूँ, सुझाव प्रदेशवासियों से भी, तमाम इंटेलेक्चुअल है,
तमाम अनुभवी रिटायर्ड लोग हैं, जो भी हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं कि हम 2030 का विजन लेकर चलें, उसमें जनता का सपना क्या राजस्थान के बारे में। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ और मैं देखता हूँ कि राज्यों के अंदर जिले हैं, वहाँ भी जिले कोई आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश की आबादी लगभग बराबर है, वहाँ 7 करोड़ 70 लाख की आबादी है और 53 जिले वहाँ पर है, 15-20 किलोमीटर जिला शुरू रहता है, जिला शुरू रहता है, इंदौर से निकला आप तो जाओ आगे आगे ये स्थिति बनती जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 56 लाख की, वहाँ 33 जिले हैं जो हमारे 33 जिले राजस्थान में, आप समझ सकते हैं कि हमारे फैसले का वेलकम क्यों हुआ। इसलिए हुआ, लोगों ने देखा कि अब हमारे ज़्यादा दूरी जाना नहीं पड़ेगा और जो काम होंगे जिला मुख्यालय से भी उसमें हमें आराम मिलेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है, ये फैसला जो किया गया और उसी सोच के साथ में हम लोगों ने तय किया कि प्लानिंग होती है, जिलों में प्लानिंग होनी, जिले के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने, सरकारी या गैर सरकारी कानून व्यवस्था की स्थिति की बनती है। आप जानते हैं तो एक एसपी को 200 किलोमीटर जाना पड़े जिले के अंदर, कोई घटना घटित हो गई, आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगता है उसमें पहुंचने के अंदर वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जो अनुभव कहता है और मैंने कई अधिकारियों से बात भी करी, उन्होंने ये कहा हम चाहते हुए भी कई बार जिला कलेक्टर साहब जा नहीं पाते जिले के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस रूप में ये प्रयास किया गया, ये प्रयास है अभी तो, इसमें जो प्रयोग किया हमने तो इसमें जो अनुभव मिलेगा हमें छोटे जिलों का बड़े जिलों का, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की। इसलिए हमने जो कमेटी रामलोभाई कमेटी है इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो। तो हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैंने स्टडी भी करवाई है तो मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोसी राज्यों में गुजरात में डांग जिला है 2,90,029 की आबादी, पोरबंदर 5 लाख के लगभग है, नर्मदा 5 लाख, पंचकुला गुजरात में पंचकुला हो गया, चरखी दादरी होगी 5 लाख के हैं, हरियाणा के अंदर मलारकोटला वो तो आपका 4,30,000 का है, बरनाला भी 5,90,000 का है। इस प्रकार से करीब देश में 600 जिलों में 95 जिले हैं जो 5 लाख की आबादी से कम भी हैं। इस प्रकार से जो स्टडी हुई है मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने इतने फैसले किए हैं, वो भी एक कारण है कि आज़ादी के बाद मेरे ख्याल पहली बार जो फैसले हुए हैं इस कार्यकाल में हुए हैं, जिसमें आप देख लीजिए नए स्कूल खुले हैं सैकड़ों की तादाद में, अस्पताल सीएससी पीएससी राजस्व ग्राम नए बने हैं, पटवार सगर बने हैं, उप तहसील बनी है, तहसील बनी है, उपखंड कार्यालय बने, एडीएम ऑफिस लगातार बनते जा रहे हैं, राजस्व विभाग में जो नई इकाइयों का गठन हुआ है उसका नीचे स्तर तक भी जाना लाजमी है। मुझे बताया गया अभी मेरे ऑफिस ने कि 4.5 साल हमने 1,284 नए गांव बनाए राजस्व गांव, 96 पटवार नवीन पटवार मंडल है, और इस बार मैंने और घोषणा कर दी है इस बजट में 1,035 की पटवार मंडल की, 32 भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 उपखंड कार्यालय, 13 एडीएम कार्यालय,
और एक सहायक कलेक्टर ऑफिस खोलेगा। कहने का मतलब कि ये तो एक बान की है प्रशासनिक की, बाकी हर विभाग में जो काम हुए हैं जिस रूप में स्वाभाविक है उसके कारण से मशीनरी दुरुस्त हो मजबूत हो ये सोच के फैसला किया गया। इसलिए मैं आपको तकलीफ इसीलिए दी कि कभी हम लोग आज 4 तारीख हुई है, 7 तारीख को विधिवत हर जिले में नए बने वहाँ पर बकायदा हमारे प्रभारी मंत्री जाएंगे, वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी, वहाँ पर पूजा पाठ भी होगा और बकायदा भारतीय संस्कृति संस्कार है परंपराएं हैं उसका निर्माण करते हुए नए जिले का वहाँ पर एक प्रकार से स्थापना की जाएगी। क्योंकि कोई जिला बनना हो जिले वालों के लिए तो 25 साल बाद में याद करेंगे कि साहब उस वक्त में जिला बना था। जिले की स्थापना बड़ी बात है, राजस्थान प्रदेश की स्थापना बड़ी बात थी तो जिले वालों के लिए तो जिले की स्थापना बड़ी बात है। तो विधिवत रूप से हम चाहेंगे 19 जिले के लोग वहाँ पर जो है उनको कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सरकार का निर्णय हमारे हित में है और हमें अब प्रशासनिक कामों में आसानी रहेगी, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बैठ के बात करें। धन्यवाद। आज राहुल गांधी जी का भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो हम तो रोज कह ही रहे हैं आपको, ये जो फासिस्ट लोग हैं जिस प्रकार से आज चिंता लगी हुई देश के अंदर माहौल बना हुआ है उसमें आप देखिए कि डिफेमेशन केस के अंदर आज़ादी के बाद में पहला राहुल गांधी है जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट का फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस फैसले की, उसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। हाई कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ केस चल रहे हैं, कहते हैं ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है, ये जो आम जनता में जो कमेंट आने लगे हैं सरकार रिपीट होने जा रही है, ये जो माहौल है हर घटना को दुर्घटना को मैं उसी रूप में देख रहा हूँ, चाहे मेरे पैरों में लग गई है उसको मैं उस रूप में देखता हूँ। कि मैं उस पर लग जाती चुनाव के पहले 2 महीने तो मैं कैसे कैंपेन करता हूँ, जो घटना दुर्घटनाएं हो रही राजस्थान में जो कमेंट आ रहे हमारे विपक्षी साथियों के जिस पर धावा बोला गया राजस्थान में मणिपुर के साथ में राजस्थान जोड़ दिया गया है, कैसे पूछ रहे थे राजस्थान इसको, मणिपुर राजस्थान छत्तीसगढ़ पहला नाम राजस्थान का लिया मोदी जी ने, दूसरा लिया छत्तीसगढ़ का, वहां भी वो राजनीति करने नहीं चुके, जनता इसका जवाब देने तैयार बैठी है, जनता जवाब देगी। और जो उनको कहा गया है मणिपुर की घटनाओं को डायल्यूट करने के लिए धावा बोल दो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होती है दिल्ली में होती है फिर यहाँ होती है, यहाँ वाले लोग कह रहे कॉमेंट करते मैंने बता दिया आपको, कल भी बताया मैंने। तो कहने का मतलब है कि हालात हमारे पक्ष में चले जा रहे हैं, सरकार वापस रिपीट होगी, जनता ये तय कर चुकी है, जनता इस बार पहले कहने लगी भी सरकार तो वापस रिपीट हो रही, सरकार आ रही है, ऐसा मैंने आज तक इतिहास में कभी देखा नहीं, किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं देखा होगा। जो हमारे गवर्नमेंट के बारे में जनता का आशीर्वाद में मिल रहा है और मुझे लगता है इस बार जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनमें से एक बड़ा तबका जो है वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को देगा, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए देगा, ये मैं कह रहा हूँ जो फीडबैक आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए बीजेपी वाले हिले हुए हैं क्योंकि बीजेपी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, कार्यकर्ता भी हो सकता है कि कहीं बदल जाए वोट दे दें, ऐसे भी खबरें हमारे पास आई हैं, मेरे पास नाम भी उनके जो घराने हैं बीजेपी के बड़े बड़े उनके परिवार के लोग कहते हैं क्या क्या किस्से गाने कहे हमारे हमारे नेताओं को, वो तो कभी मैं आप लोग बात करें बताऊंगा। पर साथ में जो वोटर है जिनकी सिंपैथी रहती बीजेपी के साथ में, इस बार राजस्थान को लेकर मैं कह सकता हूँ इस बार राजस्थान सरकार को रिपीट करने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली है। तो ये तमाम जो मैंने कहा आपको स्थिति बन रही है
वो बन रही है कि राजस्थान 2030 तक कैसे एक विजन लेके चलें, देश के नंबर वन राज्यों की श्रेणी में हम भी आ जाएं। 30 की बात करूं उस पर कौन तो सरकार मुख्यमंत्री रहेगा, कौन क्या करेगा अलग बात है, पर कम से कम हम सबका विजन तो होना चाहिए। विजन होगा तभी तो हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। आरएसी मैंने क्यों बनवाई है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो बना है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, आप मेरे कुछ लोग गए होंगे, हैबिटेट सेंटर में गए होंगे वहाँ पर दिल्ली में, तमाम प्रेस वाले हैं, साहित्यकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में। वो फॉर्म ये है जो बन गया हमारा और इसकी बुकिंग होने लगी अभी से ही। ये हमारी जो संस्थाएं खड़ी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, गांधी जी म्यूजियम बन के तैयार है, करीब करीब एक महीने बाद में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं बना जो राजस्थान में बन रहा है, गांधी म्यूजियम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है जो दिल्ली में है पार्लियामेंट के साथ में, यहाँ बन रहा असेंबली के पास में, उनका काम चल रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह ही वो अलग बन रही, भवन बन रहा है शानदार, आईपीटी टावर बन रहा है। तो राजस्थान आज सब क्षेत्रों में बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे अधिक से अधिक जिले बने, छोटे जिले बने। रिपोर्ट क्या देती कमेटी, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। 6 महीने हमने कार्यक्रम बढ़ा दिया बहुत, क्योंकि लंच का टाइम है, आपको मैंने थोड़ा लेट कर दिया आज, तो मैं नहीं चाहता और ज़्यादा मैं प्रवचन दूँ, इसलिए बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।